के महाधिवेशन में बोलने का मौका मिला था। उस समय मुझे जिस तरह से गौरवान्वित होने की एक भावना थी, उसी तरह से आज नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन के सामने बोलते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है। अजय, क्योंकि आप लोकतंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, इसकी पूरी तरह से मुझे जानकारी है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज कॉन्फिडेंट दैट नेपाल वुड कंटिन्यू टू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट। द प्रमल्गेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सितंबर 2015 वॉज एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट हैड हेल्प टू कंसोलिडेट मल्टी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी इन नेपाल एंड द एस्टैब्लिशमेंट इन नेपाल ऑफ फेडरल डेमोक्रेसी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेपाली कांग्रेस शेयर ए हिस्टोरिक रिलेशनशिप। लीडरशिप ऑफ बोथ द पार्टीज हैव एंजॉयड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। ओवर द इयर्स there has been a rich and frank exchange of views that has helped in promoting mutual understanding. Regular exchange of visits at the highest level between the two parties demonstrates the priority that we attach to our relationship. India attaches highest priority to its relations with Nepal, a friendly neighbor. India's interest is in the peaceful, united, inclusive and stable Nepal. Our age-old ties with Nepal are unique and special, characterized by an open border based on shared history, geography, culture, close people-to-people ties, mutual security and close economic linkages. India has been and is assisting Nepal through a broad-based development partnership program which includes training and education, cross-border connectivity, infrastructure development and in various other fields. Sonia Gandhi ji ki or se maine ek patra adarniya Sher Bahadur Weba ji ko prastut kiya hai. Sonia Gandhi ji swayam yahan par aakar bahut khush hoti, aap se milkar bahut khush hoti, lekin wahan Nayi Delhi mein Lok Sabha ka adhiveshan shuru hai और इसलिए उन्होंने खेद प्रकट किया कि वो आपके इस महाधिवेशन में उपस्थित नहीं हो सकी। हमारी ये शुभकामना होगी कि आपका ये महाधिवेशन पूरी तरह से यशस्वी हो और नेपाल तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता रहे और यहाँ शांति और सद्भावना, यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत होते रहे। कुछ प्रश्न भारत और नेपाल के बीच में प्रलंबित रह सकते हैं, लेकिन आपस में भाईचारे के रिश्ते से, मित्रता के रिश्ते से, आपसी विश्वास के भरोसे हम वो समस्त प्रश्न ये हल कर सकते हैं, इसका मैं यहाँ पर भरोसा दिलाता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत और नेपाल के संबंधों को और सशक्त बनाने के लिए जो भी भूमिका आप हमारे से अपेक्षित रखते हैं, वो भूमिका का हम निर्वहन करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।